बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर साथ जी, श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर कर रहे हैं आप श्री सतगुरु महाराज जी जो आदर्शवाद जी की टीका से। आज हमारा प्रकरण नंबर 3 शुरू होना है, और ढाल चली। अब आओ रे इश्क भानो हाम, देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसू पिया जी सो प्रेम काम, विलसू पिया जी सो प्रेम काम। आप श्री मामती जी कह रहे हैं कि हे प्रेम, अब तुम मेरे पास आओ, जिससे मैं अपनी उत्कंठा चाहना उनसे मिलकर मिटा लूं, पूरी कर लूं, अपने मूल घर श्री परम धाम के दर्शन कर लूं, श्रीराज जी की चरणों के नीचे विश्राम करूं, उनकी प्रेम से सेवा करके विलास करूं। अब आओ रे इश्क भानो हाँ, महामती जी प्रेम को आह्वान कर रहे हैं, अब तुम मेरे पास आ जाओ, जिससे मैं अपनी उत्कंठा अपनी चाहनाएं पूरी कर सकूं। देखो वतन अपना निज धाम, अपने मूल घर श्री परम धाम के दर्शन करूं, करूं चरण तले विश्राम, विरसू पिया जी सो प्रेम का, श्रीराज जी के चरणों के नीचे विश्राम करूं और उनकी प्रेम से सेवा करके विलास करूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब सहयों को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। अब मैं अद्वैत की वाणी का गायन करके, श्री महामती जी कह रहे हैं, अब मैं अद्वैत की वाणी का गायन कर वास्तविक आत्मा के स्वरूप की अज्ञानता की नींद को उड़ा दूं, समाप्त कर दूं, सब साथ को जागृत करके परम धाम की लीला सुनाकर अक्षर की बुद्धि को भी जागृत कर दूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, अद्वैत की वाणी का गायन करके निज स्वरूप वास्तविक आत्मा के स्वरूप की जो अज्ञानता की नींद है उसे समाप्त कर दूं, सब सहयोग को भेली जगाऊं, सब सुंदर साथ को तो जगाना ही है, परम धाम की लीला सुनानी है, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। जब प्रलय प्रकृति हुई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगनित। जब प्रकृति का प्रलय हो जाता है, तब अद्वैत श्रीराज जी और उनका धाम ही रहता है। जब प्रलय प्रकृति हुई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगनी। जब प्रकृति का प्रलय हो जाता है, तब अद्वैत श्रीराज जी और उनका धाम ही रहता है। एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना की अंगनी, एक अद्वैत भूमि परम धाम ही शेष रह जाता है जो सदा सर्वदा है। श्री राजी का अद्वैत मंडल स्वयं श्यामा जी, राजी और 12,000 सखियां सदा ही रहेंगे। एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगनी। जब प्रकृति का प्रलय हो गया, तब भी अद्वैत श्रीराज जी और उनका परम धाम रहता ही है। एक अद्वैत भूमि हमेशा सदा सर्वदा है और श्रीराज जी का अद्वैत मंडल स्वयं श्रीराज जी, श्यामा जी और उनकी 12,000 सखियां सदैव रहेंगी। अब यही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। अब मेरी इच्छा है कि मैं राजी के स्वरूप की रट लगाऊं, अब यही रट लगाऊं कि मैं राजी के स्वरूप की रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं। श्री राजी का प्रेम अपने सब गुण अग इंद्रियों को पिलाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं।
शिवराज जी का प्रेम अपने सब गुण अंग इंद्रियों को फैलाओ, सब में अपने गुण प्रकृति सारी ले ली। अब ऐसी झाक छकाऊं अंग असलू इश्क बढ़ाओ, सभी ब्रह्मात्माओं में प्रेम की ऐसी झाक छकाऊं कि वे मस्त हो जाएं और सभी के अंग अंग प्रेम में सराबोर हो जाएं। अब यही रट लगाऊं ये प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी झाक छकाऊं अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। आप श्री महावती जी कह रहे हैं कि मैं राज्य की स्वरूप की रट लगाती रहूं। श्री राज्य का प्रेम अपने सब गुण अंग इंद्रियों को पिला दूं, सभी ब्रह्मात्माओं में भी प्रेम की ऐसी झाक ऐसी मस्ती चढ़ा दूं कि वे मस्त हो जाएं और उनके अंग अंग प्रेम में भीग जाए, सराबोर हो जाए। धनी धाम देखन की खार, सो तो चुभ रही मेरे चित, किन विद वन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। धनी धाम देखन की खार, धाम धनी शिवराज जी के दर्शन करो, ये भावना मेरे हृदय में चुभ रही है। सो तो चुभ रही मेरे चित, किन्वित वन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। श्री परम धाम के महल मंदिरों को देखो, श्री राजी के लीला के दर्शन अपनी आत्मा के अंदर करो, ये मेरी उत्कट अभिलाषा है। देखो धनी जी की लीला अंदर, विलास स्वरूप किन भांत, बिन देखी क्यों उपजे स्वाद, जल जिमी पशु पंखी थिर चर, सब ठोर और अक्षर। विलास स्वरूप किन भांत, विलास आनंद करने वाले, मेरे श्रीराजी का स्वरूप किस प्रकार का है। विलास स्वरूप किन भांत, विलास आनंद करने वाले शिवराजी का स्वरूप किस प्रकार का है। बिन देखिए क्यों उपजी स्वाद, उन्हें देखी बिना शांति कैसे मिले। जन जिमी पशु पंखी थिर चर, सब ठोर और अक्षर। ऐसी मेरी इच्छा है कि वहां के जल जिमी स्थल पशु पक्षी स्थिर चलने वाले और परम धाम के 25 पक्ष और अक्षरधाम की लीला का मैं अनुभव कर लूं। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर, धनी कह कह चित चढ़ाई, पर नैनो अंजू न दिखाई। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर, मैं चाहती हूँ श्री परम धाम जो अपना वास्तविक घर है निज घर है, उन्हें अपनी आंखों से देखो, अपनी निज नजर से देखो। धनी कहे कह चित चढ़ाई, पर नैनो अंजू ना दिखा। सतगुरु धनी शिरदीन चंद जी ने बार बार कह कह के हृदय में देखने की उत्कंठा तो पैदा कर दी, परंतु अभी तक मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकी। तुम दई जो पिया मोहे निद, सो तो संगियों को कही सब विद, और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देव इनों को दृढ़ाई। तुम दई जो पिया मोहे निद, सो तो संगियों को कही सब विद। हे सदगुरु धनी, आपने मुझे जो तारतम रूपी धन प्रदान किया, उससे मैंने सब ब्रह्मात्माओं को वर्णन किया, सो तो संगियों को कही सब वेद। और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देव इनों को जड़ाई। और आपने जो श्री परम धाम की लीला को मेरे दिल में अंकित किया, उससे भी मैं उनके हृदय में दृढ़ करना चाहती हूँ। अब सुनियो साथ सुनाओ, पीछे निज नैनो देख सुखाओ, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं,
ज्योत जगे चबूतरी तुए ताकि उपमा मुख न होए। हे सुंदर सा जी, अब मैं तुम्हें परम धाम का वर्णन सुनाती हूँ। मैं अपनी आत्म दृष्टि से देखकर आपको सब प्रकार से दिखा दूंगी। श्री रंग महल की दीवार के साथ दो चबूतरे रत्नों से जड़ित हैं, जिनसे अत्यधिक प्रकाश हो रहा है। उनकी उपमा इन मुख से नहीं हो सकती। ज्योत जवेर चबूतरे तोये। धाम दरवाजा। धाम दरवाजे के दोनों ओर एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे, चार मंदिर के लंबे, दो मंदिर के चौड़े। हम इन चबूतरे पर हैं, चांदनी चौक की तरफ नजर करते हैं तो हीरा मानिक पुखराज पांच और नीलवी के अति सुंदर झिलमिलाते थंबों के मध्य कठेरा। इन चबूतरे से भीतर की ओर देखते हैं तो 10 मंदिर के हंस के दरवाजे के दाएं बाएं जो चार चार मंदिर हैं, इन चबूतरे के पीछे चार मंदिर लगते हुए एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुनः तीन, तीन छह जाली द्वार, दो दरवाजे। यहाँ पे झरोखा नहीं है क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही चबूतरा हुआ। तो दाएं बाएं चबूतरों की अति सुंदर शोभा, तले गेलम, ऊपर चंद्रमा, सुंदर सिंहासन कुर्सियां, और यहाँ से बैठकर सामने पशु पक्षी का उन मुजरे की शोभा को देखना कि चांदनी चौक में कैसे पशु पक्षी भरा के आ आ की लीला करके धनी को रिझाते हैं। हाथियों के झुंड के झुंड, घोड़ों के झुंड, वो एक ही बेर हजारों लाखों मोर नृत्य कर उठे। बंदर बाजंत्र बजाते हुए इन चबूतरों पे बैठ के सामने चांदनी चौक की लीलाओं का आनंद लेना। अति सुंदर ये चबूतरी, गिलम से उठती जोत, ऊपर चंद्रमा की जोत, एक एक थम की जोत, दो दो रंगों में छिल मिलाते। द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भिन्न, दोनों पर नगों के फूल, चित निरखे बहुत सनकोल। रंग महल के द्वार के आगे तीन चबूतरों का वर्णन है। धाम द्वार के सन्मुख दो चबूतरे और एक भिन्न दक्षिण दिशा में हरा चबूतरा है। उन दोनों चबूतरों पर रतन जड़ित सुंदर फूल सुशोभित है, जिन्हें देखकर चित्त प्रसन्न होता है। धाम दरवाजा, दोनों ओर चबूतरे और चांदनी चौक में भी दो चबूतरे हैं। लेकिन सदगुरु महर्षि जी आगे वर्णन आएगा। सदगुरु महाराज श्री परीक्षा लेने के वास्ते या देखने के वास्ते की रूप की नजर इन एक चबूतरे का वर्णन करते हैं। चांदनी चौक में हरे वृक्ष का जो चबूतरा है उनका वर्णन करते हैं। अब इन चबूतरे, हम इस चबूतरे को देखें, इन चबूतरों का देखें तो इन चबूतरों पर भी सुंदर नक्काशकारी, बेल, चित्रामण। चांदनी चौक में आए इन कमर भर ऊंचे चबूतरों की शोभा देखें। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार, तीन सीढ़ी ऊंची, इन एक एक चबूतरे में बेशुमार चित्रामण, चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ी, बाकी जगह सुंदर कठेरा। ये लाल वृक्ष का चबूतरा तो इसके तले कैसे सुंदर लालिमा लिए गिलम, और उन लालिमा लिए गिलम में भी कई प्रकार के नब्बों की नक्काशी, सुंदर तना नूरी नबों से झिलमिलाता। पहली भौंह में बरामदे की शोभा और दूसरी भौंह में एक मोहलाद की शोभा।
द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भेद, दोनों पर नगु के फूल, चित मिलखी बहुत सन फूल। रंग महल के द्वार के आगे सदगुरु महाराज जी ने तीन चबूतरों का वर्णन किया। धाम द्वार की सन्मुख दो चबूतरे, एक सीढ़ी ऊंची ये चबूतरे अति सुंदर, और दक्षिण दिशा में हरा चबूतरा जिन पर अशोक का वृक्ष, उन दोनों चबूतरों पर रतन जड़ित सुंदर फूल। रतन जड़ित सुंदर फूल और जो हीरा माणिक पुखराज पांचों नीलवी के थंभ आए हैं, उन एक-एक थंभ के पहल उनमें आई नकाशी, वो दो दो रंगों की मेहराबे, थंभ से थंभ का जब नूर टकराता है तो वो सुंदर शोभा, तली गिलम सिंहासन कुर्सियां ऊपर चंद्रमा, बेला कई रंगों कई नकश, देखो एक दूजी बेस सरस, ताव बीज चरणी केती कई रंग, बेला कटाव जड़ित कई रंग। दोनों चबूतरों में अनेक प्रकार की रंगों की बेलों की नकाशी जो एक दूसरे से अधिक सुंदर है, और दोनों चबूतरों के बीच में सीढ़ियां सुशोभित हैं, और उनमें भी कई प्रकार की बेलों की चित्रकारी आई है, कई प्रकार के नग जड़े हैं। फिर इन चबूतरों का वर्णन, इन चबूतरों में कई प्रकार की बेलियां नक्काशकारी, गिलम की शोभा भी देखिए तो उनमें भी कई प्रकार की नक्काशी, वृक्षों की शोभा, बेलियां, फूलों की शोभा, ऊपर जो चंद्रमा आया है उनके ऊपर एक सीढ़ी ऊंचे इन चबूतरे की, और प्लस इन भूम और ऊंची दीवार पे भी सुंदर चित्रामन, एक एक थंब में सुंदर चित्रामन इनकी मेहराबों में, इनकी कठेड़ों में, है ना। और दोनों चबूतरों के बीच में 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़ती हुई, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में, सीढ़ियों पे अति सुंदर किलाम, चांदों पर उनका रंग बदलता हुआ, दोनों ओर परकोटे, परकोटों पर भी सुंदर नकाशी, सुंदर बेशुमार नकाशी परकोटों पर भी, एक एक सीढ़ी की शोभा, गिलम, दोनों ओर परकोटे, परकोटों पे लाल माने की सुंदर कांगड़ी, और परकोटा भी चढ़ती सीढ़ी के मार्फा, दोनों चबूतरों के मध्य चढ़ती सीढ़ियां, अनेक प्रकार की नकाशी से, और इन सीढ़ियों की दीवार में भी बेशुमार चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, नकाशी, फूलों की शोभा। बेला कई रंगों कई नकश, अब उनमें बेलियां जो आई हैं, बेलों की शोभा, लताओं की शोभा, उनमें कई रंग है कई नकशकारी है, एक एक बेल में कितने कितने फूल, और एक एक फूल की पत्ती पत्ती मुस्काती हुई, एक एक पत्ते की शोभा कैसी, जवेरों से छिल मिलाते पत्ते, देखो एक दूजे पे सरस, ताप बीच चरनी के तीरा, अब उनके बीच में जो सीढ़ियां हैं उनके कितने रंग है, गिलम की उनमें आई नकाशी की, चांदों पर दाएं बाएं परकोटे, परकोटों पे आया सुंदर चित्रामन, लाल मानी की कांगरी, और पड़कोटे के ऊपर भी सुंदर शोभा, बेला कटाव जड़ित कई ना, और बेलों की जो चित्रकारी कही उनमें नखों का सुंदर कटाव, दो तरफ किनारे कांगरी, कई भात दोरी नभ जड़ी, दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा, ताबीज गली लगता तीसरा, दो तरफ किनारे कांगरी, सीढ़ियों की दोनों तरफ कठेरा, पर कोटा कहे कठेरा कहे कठहरा कहे, उस पर कांगड़ी शीर्षोभित है,
कठेड़ा ही, लेकिन यहाँ पर विस्तार लिए एक मोटी दीवार की भांति। तू परपोटा कहाँ गया? कई भार दोरी नव जड़ी। अब इन कांवरी में कई प्रकार के कंगबद नव जड़े हैं। सीढ़ियों की सुंदर शोभा दोनों और परपोटे की सुंदर शोभा उनमें नव जड़ी। दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा, जब चांदनी चौक से देखते हैं और मुख हमारा रंग महल की है, तो ये वर्णन में आता है कि बाई और अशोक का वृक्ष है। लेकिन जब रंग महल से वर्णन हो रहा है, तब ये हो जाता है दाहिनी तरफ। दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा, ता बीच गली लगता तीसरा। दोनों चबूतरों के मध्य जो रास्ता है, उसके साथ दाहिनी ओर तीसरा हरे रंग का चबूतरा है। आप महामति जी, इन दो मंदिर की चौक से सीढ़ियां उतरते हुए इन दाहिने हाथ पे इन चबूतरे का वर्णन कर रहे हैं। हरे रंग का सुंदर चबूतरा जिसपे अशोक का वृक्ष है, ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर। चारों तरफ तीन तीन चरणी, किनारे की शोभा जारी न बढ़ी। अब इन दोनों चबूतरों पर एक एक वृक्ष है, जिसकी छाया पूरे चबूतरे को ढक रही है। उनके कारण उनके चारों ओर तीन तीन सीढ़ियां हैं और इन चबूतरों की किनारे की शोभा अवर्णनीय है। चांदनी चौक में दो चबूतरों की शोभा का वर्णन। सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी ने दाहिने हाथ में जो हरे रंग का वृक्ष आया है, उनका वर्णन अब बता रहे हैं कि इन दोनों चबूतरों पर कमर भर ऊंचे चबूतरे, उन जो कमर भर ऊंची जो ऊंचाई आई है, उस पे भी बेशुमार चित्रामन, तले गिलम की तरह एक सुंदर फूलों की पत्तियां मानो बिछी हो, गिलम बिछी हो, सुंदर नूर का तना पहली भौं बरामदे माफक दूसरी भौं में मोहलाद बनती हुई। चारों तरफ तीन तीन सीढ़ियां उतर रही है और यहाँ पर सुंदर कठेड़ी की शोभा, किनारे की शोभा चाहे न बढ़ी, अति सुंदर कठेड़ी की शोभा, उतरती सीढ़ियों की शोभा, दोनों चबूतरों की शोभा, चबूतरों से उतरती तीन तीन सीढ़ियां, किनारे की शोभा, एक एक वृक्ष की शोभा। जब श्री राज शाह जी और सखियों संग इन चांदनी चौक में आते हैं, इन लाल चबूतरों की कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा, उन एक एक चबूतरे की शोभा को निहारे, कैसे उनमें अपरंपार बेले, कटाव, नकाशी, चारों तरफ तीन तीन सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, और इन वृक्षों की छाया सिर्फ इन चबूतरे का एक लेश मात्र की छाया तले रेती लिए नहीं आती। ऊपर दरखत छाया बराबर, जो ये लाल और हरे वृक्ष आए हैं, जो पहली भौं एक बरामदे की तरह सुशोभित, दूसरी माहौल माफक, पहली भौं में तना सीधा ऊपर गया, 75 हाथ के बाद डालियों का विस्तार और एक चौरस छत तले, जो चौरस अपना 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, उनके ऊपर एकल छत होती हुई। तो हम चबूतरे पर है नजर ऊपर करेंगे तो 100 हाथ ऊपर फूलों की लोरी छत, एक सुंदर बरामदे की शोभा, जिस भी दिशा में बैठना है सिंहासन कुर्सी हाजिर। अब इन तने में चारों दिशाओं में द्वार आए हैं, उनसे भूम भर की सीढ़ी चढ़कर हम वृक्ष की दूसरी भूमि में आ गए। तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर अब फूलों का फर्श, जिन्हें फूलों की
और आप देखेंगे उन एक वृक्ष ने अनंत वृक्षों का विस्तार लिया। अब किनार पर जो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी ये छत, ये जमी हुई दूसरी भूमि में फूलों की, उसकी किनार पर हर दिशा में 34 34 वृक्ष, जिनमें 33 मेहराबे, ऊपर एकल छत। तो इन स्थान पर है हर दिशा में फूलों की 33 मेहराबे, मेहराबी द्वार, और इन वृक्षों के मध्य सुंदर फूलों का कठेरा, किलम, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, सेजिया, सभी शोभा अपरंपार। और चांदनी पर घूमट की सुंदर शोभा, वो भी फूलों का। और इन वृक्षों की छाया सिर्फ चबूतरे तक, ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफ तीन तीन चरणी, किनारे की शोभा जाए न पड़नी। उज्जैन भौम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीच चमकी रेजा रेज, ए जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सामी लर। श्री परम धाम की दिव्य भूमि का क्या वर्णन करें, कण कण अति दिव्य है, प्रकाशमान है। वहां का जरा जरा आकाश तक जा रहा है, जो आकाश से आते हुए प्रकाश से टकराता है। उज्जल भूम को कहाँ कहाँ ते जानो बीच चमकी रेसा रेस, ए जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सानी लड़। नजर इन चांदनी चौक की ओर, ठीक मध्य दो मंदिर की ये नगों की रोस, उनसे उठता तेज रीति का एक एक कण, हीरा मानिक मोती की तरह झिलमिलाता उनका तेज, इन चबूतरों का। हरे वृक्ष जहाँ पे अशोक का वृक्ष आया है, जहाँ आम का वृक्ष आया लालिमा लिए, उन चबूतरों से उठती जोत, सीढ़ियों से उठती जोत, श्री रंग महल के मंदिरों से उठती जोत, ये जोत ऊपर जा रही है, और आसमान से तले जो जोत उतर रही है, दोनों आपस में टकराती हुई कैसे झिलमिलाती शोभा, अरस परस होती हुई। सो परे वन पर छलकार, जोत वन की न देवे हार, इन मंदिरों को जो उजास, सो तो मावत नहीं आकाश। अब इस प्रकाश में वन जल हलाते हैं, ये जो जोत उठ रही है इससे घेर कर आए अमृत वन, वो वन भी झिल मिला उठते हैं। जोत वन की ना देवे हार, और वन का प्रकाश भी अपना है, वो भी हार नहीं मानता। तो इन जोत में उन अमृत वन के अनंत रंगों की जोत भी समाती हुई, इन मंदिरों का जो जास, श्री रंग महल की जो बाहरी हर मंदिर है, इन वन के मंदिरों का प्रकाश भी आकाश में नहीं समा रहा। इस प्रकार से वन झिलमिला रही है, वन का प्रकाश भी अपनी हार नहीं मानता, और इन मंदिरों का प्रकाश भी आकाश में नहीं समा रहा। चांदनी चौक से उठती जोत, लाल हरे वृक्ष से उठती जोत, ऊपर आसमान से उतरती जोत, और ये जोत जब वनों पे पड़ती है तो वन भी झिलमिला उठते हैं, और वनों का अपना प्रकाश भी है। और इन प्रकाश में जो रंग महल के बाहरी हार मंदिर है, लालिमा लिए उनकी दीवार कही, वो भी झिलमिलाते हैं, प्लस उनका खुद का भी अपना नो, वो कैसे नूर से लबरेज, अरस परस शोभा। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब थोरो शीतल सत सूर, ज्योत रोशन भर्यो आसमान, किरना सके न कोई कहूं भान, अखंड सूर्य की भांति सब स्थानों पर शीतल प्रकाश फैल रहा है, अनंत प्रकाश, लेकिन उसमें बहुत शीतलता है। इन प्रकाश की ज्योति पूरे आकाश में फैल रही है, और इनकी किरणें एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकती।
अपनी अपनी जोत, अपनी अपनी महिमा बरकरार, लेकिन कैसे झिलमिलाती शोभा, तरंगी चल रही है नूर की शोभा। क्यों कहूँ यह मुखबन, सो तो बोई नहीं वर्णन, इत सब तत्वों की खुशबू, सो इन जुबा वर्णन कैसे हुई। इस प्रकार इन वनों की शोभा का किन मुख से वर्णन करूं, ये वर्णन संभव ही नहीं है। यहाँ के सभी तत्व सभी सुगंधि से भरपूर हैं, जिनका विवरण इन जुबान से नहीं हो सकता। चौपाई इधर आते हैं। शोभा क्यों कहूँ यह मुखबन, सो तो हुए नहीं वर्णन, इत सब तत्वों की खुशबू, सो इन जुबा वर्णन कैसे हुई। बोले श्री अरे प्राणनाथ प्यारी कीजिए, सतगुरु महाराज श्री जी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथी। प्रणाम।